नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद से। कल जहां राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 8 साल के लिए लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाने पर पूरे हरियाणा और पूरे देश भर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अम्बेडकर चौक पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की शव यात्रा निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और इसी के साथ साथ शमशान घाट पहुंचकर सरकार का पुतला जलाकर उसका दाह संस्कार भी किया। कांग्रेस की तरफ से कल पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया और वहीं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार तानाशाही रवैया दिखाकर पहले राहुल गांधी पर बेवजह केस करवाकर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और अब उसी की आड़ में लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी गई। पर इस हास के रवैये से कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि बेशक राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया है पर साल 2024 में कांग्रेस चुनाव जरूर लड़ेगी और इसी के साथ साथ राहुल गांधी चुनाव ना भी लड़े पर वह कार्यकर्ताओं के बीच में जरूर रहेंगे। हाल ही में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सबको याद भी होगा कि राहुल गांधी ने पूरे देश भर में एक बड़ा अभियान चलाया, भारत जोड़ो यात्रा चलाई और ऐसे में अब जाकर कांग्रेस को अपने आप में एक बड़ा झटका जरूर लगा है। इस पूरे मामले को लेकर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, अब आप वो सुनिए। देखिए आप देख रहे हैं कि सूरत की कोर्ट में किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को पुराने एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जो कि अपने आप में एक विचारणीय बात है कि आज तक के डिफेमेशन के केस में सबसे ज्यादा सजा सुनाई गई है। और दूसरी बात यह है कि आज सदन में सबसे पहले जो काम किया गया वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का वायनाड के सांसद होने की सदस्यता को ख़त्म करने का काम किया गया। क्या इस देश की संसद के पास बाकी सारे मुद्दे निपटाए जा चुके हैं? क्या इन्होंने सारे मसले पूरे इनके ख़त्म हो चुके हैं? क्या सब पे इनके फैसले आ चुके हैं या कुछ अभी बाकी है? बाकी तो अब ये रह गया था कि लोकतंत्र की हत्या आज पूरी तरीके से हो जानी थी और इसीलिए आज हमने बल्लभगढ़ में लोकतंत्र की शव यात्रा निकाली है। अब इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, संस्था खत्म कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए हमारे नेता एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने दो दो शहादत देखी है, जिस परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री रह लिए, क्या वो एक लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाने से घबरा जाएंगे या एक लोकसभा की सदस्यता उनके लिए बहुत मायने रखेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज ये बताया है कि ये अपमान करते हैं उन लाखों करोड़ों लोगों का जो कांग्रेस पार्टी से लगाव रखते हैं और इस देश के नागरिक हैं। ये लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान करना जानते हैं और इसीलिए इन्होंने फौरी तौर पर आज पहला कदम उठाकर इन्होंने संसद में हमारे नेता की सदस्यता को समाप्त किया। कब तक संघर्ष जारी रखेंगे आप? देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू से ही संघर्ष किया है और इस देश को गोरों से आज़ाद करवाया है, तो वही बात है कि इन भारतीय जनता पार्टी वालों की तो बिसात क्या है। देखिए जैसे आपने देखा है जो बीजेपी पार्टी है ये हमेशा जो भी कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, विपक्षी पार्टियों की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का ये उच्च अखंडे अपनाते हैं, प्रयास करते रहते हैं, सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस हो। तो बेसिकली आज जो हम प्रोटेस्ट करें ये बताने के लिए कर रहे हैं राहुल गांधी जी पे कितने भी एक तरीके से ये अत्याचार कर लें, राहुल गांधी की आवाज़ है ये, कांग्रेस पार्टी की जन जन की आवाज़ है, ना दबेंगे ना झुकेंगे ना डरेंगे ना रुकेंगे। तो कब तक संघर्ष करते रहेंगे आप? जब तक इस बीजेपी सरकार को
हम इसके शासन को, कुशासन को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जी के मन के ने आम आदमी के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना, उनके अंदर एक जज्बा है देश के लिए, वो अपने बड़े से बड़ा बलिदान देते तैयार रहते हैं बस। लेकिन बीजेपी को चीज बर्दाश्त नहीं है। ये हिटलरशाही बीजेपी सरकार है जिसे केवल आवाज़ को दबाना कुचलना आता है और जुमलों के सारे झूठे प्रलोभन देके जाति व धर्मों के नाम पर लोगों को बांट के इन्हें वोट बटोरने आते हैं। इन्होंने आज इस देश में इन्होंने जो काम खराब कर दिए हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट दिया है, हरियाणा में जाट नॉन जाट का जहर खोल दिया है, यूपी में हिंदू मुसलमान कर दिया है, राजस्थान में गुजर और मीना बांट दिए, गुजरात में पाटीदार नॉन पाटीदार। तो बेसिकली देखिए, राहुल गांधी जी को जो कोर्ट जाती है उसके लिए तो हम हायर अथॉरिटी में जाएंगे, राहुल जी के वकील अपील करेंगे, राहुल जी अपील करेंगे। लेकिन हम ये एक बात कागज जाते हैं देश के आम नागरिक को, क्योंकि राहुल जी की बात को घुमा फिरा के पेश करते हैं बीजेपी वाले। राहुल गांधी जी ने कभी भी और किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए कभी कुछ नहीं कहा। राजनीति में और राजनीतिक भाषण में आप किसी व्यक्ति की बुराई जरूर कर सकते हो, और अगर उसकी कोई गलती चल रही है, कोई गलत ढंग से सरकार चला रहे हैं, तो ये आपका न्यायिक अधिकार है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने किसी भी धर्म के लिए या किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी विशेष जाति के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल उनके अंदर एक इस देश के लिए कुछ कर लेने की तमन्ना रहती है, आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं। और इस देश में बीजेपी ने जो जहर खोला हुआ है उस जहर को मिटा देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी कई सौ किलोमीटर पैदल यात्रा करी है, अगर बीजेपी के किसी भी नेता में दम है ना, तो गाड़ी से भी इतना चल के दिखा दे जितना राहुल गांधी ने पद यात्रा करी है। भरी ठंड में सवेरे 5 बजे रवाना हो जाना, तो आप ये देखिए, ये आम बात नहीं है। आज इस देश के युवा, देश के बुजुर्ग, महिला सब राहुल गांधी जी की तरफ आंखें लगाए देख रहे हैं। 2024 के चुनाव में इस देश और प्रदेश में एक बार फिर से ये कांग्रेस में ही होगा, और ये देश फिर से अमन और चैन का भाव लौटेगा, और लोग, आम लोग समझ गए हैं कि केवल इस देश और प्रदेश का भविष्य अगर सुरक्षित है तो केवल और केवल कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है। और बीजेपी जैसी पार्टी हमारे देश को गुलामी की तरफ धकेल रही है। हमें साफ कहते हुए कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई डर नहीं, इस बीजेपी सरकार ने केवल ये अडानी अंबानी की पार्टी बन के रह गई है, बड़े उद्योगी घरानों की जेबी पार्टी बन गई है, उनके लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कोई नहीं है। बीजेपी 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 बीजेपी